अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे वी विल डिस्कस रिकमेंडेड एंड सस्टेनेबल मेजर्स इन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स फॉर वर्टिब्रेट्स। मैनेजिंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट पेस्ट्स आर फाउंड इन एंड अराउंड वर्चुअली एवरी क्रॉपिंग सिस्टम इन द स्टेट, ऑल्दो दे मे नॉट ऑलवेज प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। In some crops, damage caused by birds generally results in a loss of a portion of the current crop, but does not decrease future yield potential. Some pests, however, can cause a major problems by feeding on the fruit and on the tree bark, shoots and roots, which can stunt growth or kill plants. Injury to the trees by rodents or rabbits, for example, is often serious, killing the tree or causing permanent damage that lowers yield for years following the initial feeding. It's mean vertebrate pest crops area mein hamesha maujood hote hain, lekin zaruri nahi hai ki crops jo hain wo bahut zyada damaged ho jaye पेस्ट से। समटाइम्स कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो मैच्योर स्टेज, बिल्कुल जब मैच्योर स्टेजिंग पे आ जाती है क्रॉप, तब उसको डैमेज करते हैं, तो वो इतना लॉस क्रिएट नहीं करता क्योंकि हमारा टाइम होता है क्रॉप को उसकी हार्वेस्टिंग का। लेकिन कुछ जो पेस्ट होते हैं जो कि परमानेंट फीडर्स होते हैं ऑन फ्रूट्स एंड ट्री बार्क्स, रूट्स शूट्स को, जो कि उनके ऊपर फीड करते हैं, तो उस वो फिर परमानेंट जो है वो डैमेज करते हैं, और जब वो उनकी शूट्स और रूट्स को डैमेज करेंगे तो वो प्लांट की ग्रोथ को भी जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जो रूडेंट हैं लाइक रैबिट्स और रैट्स, वो भी ट्रीज़ को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर सालाना जो है क्रॉप्स की यील्ड वो कम हो जाती है। Some pests will chew or destroy flexible irrigation lines. Other pests will dig holes through the soil surface, thereby channeling surface irrigation water to undesired areas. इस बात का मतलब ये है कि कुछ पेस्ट जो होते हैं वो हमारे क्रॉप्स लैंड में, हमारे फील्ड्स में, जो हमारे इरिगेशन का सिस्टम होता है, पाइपलाइंस हैं वाटर की, उसको भी चीव करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहाँ से वाटर की लीकेज हो जाती है अनडिज़ायर्ड एरिया में या अनडिज़ायर्ड टाइम में, जब हमने वहाँ पर नहीं वाटर सप्लाई करना, लेकिन तब वो वहाँ पर हो जाएगा वाटर जो है वहाँ से रिलीज़। इसके अलावा क्या करते हैं कुछ पेस्ट जो है वो सॉइल सरफेस में डिगिंग करते हैं और होल्स बना देते हैं, और फिर उधर से भी उन होल्स के ज़रिए भी पानी जो है वो ज़मीन के अंदर सॉइल में चैनलिंग जो है उसकी हो जाती है अनडिज़ायर्ड एरियाज़ में, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी क्रॉप्स जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती हैं, उनको डैमेज होता है। फूड सेफ्टी आल्सो बिकम्स एन इशू इफ़ पेस्ट रेजिड्यूज कम इनटू कांटेक्ट विद द मार्केटेबल कमोडिटी। ये बहुत इशू है कि जो मार्केटेबल कमोडिटी बिल्कुल तैयार है हमारी क्रॉप्स मार्केट में जाने के लिए, अगर उसके साथ भी पेस्ट का कोई रेजिड्यूज, पेस्ट के कोई कांटेक्ट हो जाता है हमारी मार्केटेबल कमोडिटी के साथ, तो फूड सेफ्टी इशू आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें जो है वो अपने मैनेजिंग स्ट्रेटजीज तैयार करनी होंगी, और उनको टाइमली हमने अप्लाई करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। मैनेज योर फील्ड्स इन ऑर्डर टू कीप पेस्ट नंबर्स लो एंड टू डिस्करेज न्यू इन्वेजन्स सो दैट सिग्निफिकेंट डैमेज डज नॉट अकर। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स कि हमने अब ऐसा मैनेज करना है अपने फील्ड को कि वहाँ पर पेस्ट की नंबर्स कम हो जाएं और दोबारा वो वहाँ पे इन्वेड ना करें, मतलब दोबारा उसका अटैक ना हो, वो दोबारा उस एरिया में एंटर ही ना हो, जिसकी ताकि हम अपने सिग्निफिकेंट जो हमारा डैमेज है वो मज़ीद ना हो, और हम जो है अपने क्रॉप्स को प्रिवेंट कर लें बाय द डैमेज ऑफ द पेस्ट। नंबर वन, बिफोर प्लांटिंग रिमूव वर्टिब्रेट पेस्ट्स
and destroy habitats such as burrows within the feed boundaries. पहला तो ये है कि जब हम कोई भी अपनी क्रॉप्स हैं उनको जब स्टार्ट करने लगे हैं, प्लांटिंग जब हम करने लगे हैं, हमें उससे पहले ही अपना जो फील्ड एरिया है उसको विजिट करना है और उसको अच्छे से वहाँ से जितने भी अगर हमें विजुअल सर्वे में जो भी हमें वर्टिब्रेट पेस्ट दिखाई देते हैं या उनकी बरोज हैं उनको हमने ख़त्म कर देना है, वहाँ से एलिमिनेट कर देना है. प्रिवेंटिव मेजर्स कॉस्ट लेस एंड आर मोर सक्सेसफुल बिफोर प्लांटिंग when one can easily see the pests or their habitats. ये बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है कि अगर हम प्लांटिंग से पहले अपने मेजर्स अप्लाई कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. वो इसलिए कि मेजर्स की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी क्योंकि हमें ज़्यादा मेजर्स अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे या उनकी क्वांटिटी कह लें रेंज ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी. हम थोड़ी क्वान्टिटी जो भी हम अपना मेजर लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई ट्रैप्स भी लगाते हैं आफ्टर प्लांटिंग, हमें अगर कोई 10 or 20 ट्रैप्स लगाने पड़ रहे हैं तो बिफोर प्लांटिंग वो 3 या 4 ट्रैप लगाकर भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे पेस्ट के नंबर्स को. और इस तरह हमारा मेजर्स कॉस्ट लेस. और इसके अलावा ये सक्सेसफुल इसलिए है कि हम जब वहाँ पे प्लांटिंग हो जाती है हमारी क्रॉप्स जो है वो वहाँ पर बन जाएंगी तो वो हम इतनी ईजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पर पेस्ट मौजूद है या कहाँ पर उनकी बरोज हैं. तो बिफोर प्लांटिंग अगर हम अपने मेजर्स अप्लाई करते हैं तो वो उनका उस पर एक्सपेंडिचर भी कम होगा और वो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. नंबर 2, बी अवेयर ऑफ द लोकेशन एज वर्टिब्रेट पेस्ट्स कैन ईजीली री इन्वेड इफ द फील्ड इज एडजेसेंट टू रेंजलैंड वाटरवेज और अनडैमेज्ड एरियाज. अब हमने क्या है कि वर्टिब्रेट पेस्ट जो हैं अगर हम उनको अपने फील्ड से एलिमिनेट कर भी देते हैं तो वो उसके एडजेसेंट एरियाज में चले जाते हैं, या अगर हमारा कोई फील्ड है उसके नियर बाय में वाटरवेज हैं या कोई दूसरा एम्प्टी अनडैमेज्ड एरिया है तो वो वहाँ पर चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद वो हमारे प्लांटिंग और क्रॉप्स में दोबारा से री इन्वेड कर जाते हैं. तो हमें लोकेशंस का पता होना चाहिए कि अगर हम अपने फील्ड में से एलिमिनेट कर रहे हैं तो फिर ये पेस्ट कहाँ जाएंगे, उनको हमने लोकेट करना है ताकि हम उनकी लोकेशंस जो हैं उनको वहाँ पर भी एलिमिनेट करें. इट इज़ मच ईजियर टू मैनेज वर्टिब्रेट पेस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स ऑन द पेरिफ्री वर्सेस इनसाइड. इसी बात का मतलब यही है कि अगर फील्ड में से हमने सारे वर्टिब्रेट पेस्ट वगैरह एलिमिनेट कर दिए हैं तो उसके बाद हमें करना ये है कि जो भी हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं हमने उनको फील्ड की बाउंड्री पे ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट करना है और स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट कर देना है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द फील्ड. क्योंकि इनसाइड तो हम ऑलरेडी अगर रिमूव कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद ये कि हमने बाउंड्री पर लगा देने हैं ताकि दोबारा से री इन्वेड ना करें पेस्ट एडजेसेंट एरिया से या कहीं से भी वो उनका दोबारा अटैक ना हो सके. बेटिंग, फेंसिंग, फ्यूमिगेटिंग बरोज, शूटिंग एंड ट्रैपिंग आर ईजियर एंड यूजली मोर इफेक्टिव इफ एम्प्लॉयड बिफोर यू प्लांट इंस्टेड ऑफ आफ्टर. ये जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं मैकेनिकल और केमिकल कंट्रोल्स, सॉरी केमिकल कंट्रोल तो हम बहुत ही जब थ्रेशोल्ड लेवल पर चला जाता है पेस्ट तब यूज़ करते हैं. ये जितने भी मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं बेटिंग है, फेंसिंग है, फ्यूमिगेटिंग बरोज, शूटिंग, ट्रैपिंग, ये सब कुछ अगर हम अपनी क्रॉप्स को स्टार्ट करने से पहले या प्लांटिंग से पहले ही वहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, इससे बेहतर कि हम ये सब कुछ बाद में अप्लाई करें. वेयर फिजिबल डिस्ट्रॉय बरोज, डिस्पर्स और किल द रेजिडेंट पॉपुलेशंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ री इन्वेजन्स बाय पॉकेट गॉफर्स, वॉल्स एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ग्राउंड स्क्रल्स. ये वही बात रिपीट हो रही है कि हमने चेक कर लेना है कि जहाँ जहाँ पर बरोज हैं या कोई रेजिडेंट पॉपुलेशन है तो वहाँ से उसको किल कर देना है, एलिमिनेट कर देना है उसकी पॉपुलेशन को, वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देना है ताकि ना वहाँ रिप्रोडक्शन हो ना वहाँ पर री इन्वेजन हो. तो ये सब कुछ मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स हम जो है वो अप्लाई करके हम अपने फील्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं परमानेंटली फ्रॉम द पेस्ट.
guidelines for reducing vertebrate pest problems and making control more economical. Number one, correctly identify the species causing the problem using damage signs, burrows or habitat, tracks, feces, etc. Firstly, कोई भी हम अगर अपना कंट्रोल मैयर अप्लाई करने लगे हैं तो सबसे पहले हमने स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना है, स्पीशीज़ को डिटेक्ट करना है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो हमारे क्रॉप को डैमेज कर रही है. एट अ टाइम वहाँ पर जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं, तो जो उस क्रॉप को डैमेज कर रही है, जो कि उस क्रॉप पे फीड कर रही है, तो हमने उसको डिटेक्ट करना है. और या हम जो है उनके फीसिस और ट्रैक्स की मदद से, बरोस की मदद से हम ये सब कुछ उस स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे. सबसे पहले हमने करेक्टली आइडेंटिफाई करना है स्पीशीज़ को. आफ्टर दैट, नंबर टू, इफ़ फिजिबल ऑल्टर द हैबिटेट टू मेक द एरिया लेस फेवरेबल टू द पेस्ट स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल, एलिमिनेट कवर क्रॉप्स एंड वीड्स. होता ये है कि जो हमारा क्रॉप्स होता है, हमारा फील्ड एरिया, उसमें जो हमारी पर्पस क्रॉप है, उसके अलावा वहाँ पर कुछ वीड्स, ग्रासेस, एक्स्ट्रा जो है वो श्रब्स वगैरह लग जाती हैं जो कि यूज़फुल नहीं होती, तो वो क्या करती हैं एज आ कवर क्रॉप्स, मींस के वो पेस्ट को शेल्टर देती हैं और उनके लिए वो एज आ फूड रिसोर्स भी हो सकता है. तो हमने उन सबको वहाँ से एलिमिनेट कर देना है, मींस के हमने पेस्ट का हैबिटेट वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देना है और लेस फेवरेबल बना देना है. Take early action and use the control method appropriate for the crop and the time of the year. Consider the environment and non-target species when choosing a control method. इसमें क्या है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्पीशीज़ को, हमने उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर लिया. उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कोई भी एक्शन जो लेना है वो हमने स्टार्ट में ले लेना है, अर्ली लेना है, क्योंकि अगर जितनी हम जल्दी एक्शन स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो है वो कम होगा और हमारे इफ़ेक्टिव मेजर्स भी ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल रिजल्ट्स होंगे. और इससे ये है कि अगर हम लेट कर जाते हैं तो हमारे क्रॉप्स को डैमेज भी बहुत ज़्यादा करेगा और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक लॉस भी ज़्यादा होगा. इसलिए हमने एक्शन जो है वो टेक अर्ली एक्शन, हमने उसको टाइमली करना है, जल्दी करना है, और हमने जो कंट्रोल मेथड्स ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि वो सूटेबल होना चाहिए. जहाँ ट्रैपिंग करनी है हमें वहाँ ट्रैपिंग कर लेनी चाहिए, और जहाँ पे बेट करनी है यूज़, या हमें फ्यूमिगेशन बरोज अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये कंट्रोल मेथड्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए. और इसके अलावा हमने जो भी हम कंट्रोल मेथड यूज़ करें वो इन्वायरमेंट को जो है वो फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और नॉन टारगेट स्पीशीज़ को उसका कोई जो है वो डिसएडवांटेज या थ्रेट नहीं होना चाहिए. Establish a monitoring system to detect reinfestation so you can determine when additional corrective measures or controls are necessary. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपना क्रॉप्स लगा लिया, हमने अपने कंट्रोल मेजर्स कर लिए, सारा कुछ हम कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए ताकि अगर दोबारा से रीइंफेस्टेशन हो रही है या कोई पेस्ट वहाँ पे ग्रो कर रहा है तो हमें उसको फौरन से डिटेक्ट करना है और उसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा से जो है वो कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने. A successful pest management program requires good records and regular monitoring. Some vertebrate pest populations can easily explode because of high reproductive rates and abundant food. Keep a record of the management procedures you use and their effectiveness. Good records will help you plan and improve future control strategies. ये जो रिकमेंडेड एंड सस्टेनेबल कंट्रोल मेजर्स हैं, उन जो हम अप्लाई करते हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उसका रिकॉर्ड रखना है.
कुछ हैं वर्टिब्रेट पेस्ट पॉपुलेशन जो कि उनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है, मींस कि उनकी रिप्रोडक्शन और उनका जो पॉपुलेशन साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, उनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अबंडेंट फूड होगी जब भी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मैनेजमेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं और फिर उनके जो रिज़ल्ट आते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं या अच्छे इतने नहीं हैं, हमने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता हो कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हमें फ्यूचर में बहुत जो है वो कंट्रोल स्ट्रेटजी बनाने में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। अगर हमने लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल कोई कंट्रोल मेजर यूज़ किया था, अप्लाई किया था, उसके रिज़ल्ट इतने इफेक्टिव नहीं थे, तो फिर नेक्स्ट ईयर हम जो है वो अपने मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में कोई बेहतरी लाएंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे और बेहतर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे। सो इसलिए हमें ये अपने सारे मैनेजमेंट सिस्टम में एवरी ईयर जो हम मैनेजमेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल गोल्स, जितने भी हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं उनका गोल क्या है, हमारा मकसद क्या होता है, प्रिवेंशन, सप्रेशन एंड इरेडिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने अपने क्रॉप्स को प्रिवेंट करना है फ्रॉम द डैमेज ऑफ पेस्ट। आफ्टर दैट सप्रेशन, अगर वहाँ पर डैमेज है पेस्ट का तो हमने उसको कम करना है एंड फाइनली उसको वहाँ से इलिमिनेट कर देना है, इरेडिकेट कर देना है। अवॉइडिंग हार्मफुल इफेक्ट्स, चूज द पेस्ट कंट्रोल मेथड दैट विल बेस्ट कंट्रोल द पेस्ट विद द लीस्ट हार्मफुल इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट। जो भी हम कंट्रोल मेथड यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को जो है वो उसके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल ए पेस्ट only when it is causing or it is expected to cause more harm than is reasonable to accept। हमें अगर कोई पेस्ट हमारी फील्ड में प्रेजेंट है या डैमेज कॉज कर रहा है तो हमें इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड लेवल पर जब पहुँच जाता है हमें उस लेवल पर जाके अपना कोई कंट्रोल मेजर अप्लाई करना चाहिए। मतलब कि वो जब बहुत ज़्यादा कॉज करना डैमेज कॉज कर रहा है कि अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, देन वी शुड अप्लाई द कंट्रोल मेजर्स। यूज़ अ कंट्रोल स्ट्रेटजी दैट विल रिड्यूस द पेस्ट नंबर्स व्हेन एक्सेप्टेबल लेवल। हम जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करें उसके रिजल्ट में पॉपुलेशन जो है वो पेस्ट की बहुत हद तक कंट्रोल होनी चाहिए तभी हमें उसका फ़ायदा होगा। कॉज एज लिटल हार्म एज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द पेस्ट, मीन्स के जो भी हम कंट्रोल मेजर्स यूज़ कर रहे हैं उसका जितना हो सकता है उतना इन्वायरमेंट को और नॉन टारगेट स्पीशीज़ को उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी उसके इफ़ेक्ट हैं वो अप्लाई होने चाहिए सबके सब पेस्ट के ऊपर, जस्ट वो पेस्ट को कंट्रोल करें। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज द कंबाइनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स इनटू अ सिंगल प्लान टू रिड्यूस पेस्ट्स एंड देयर डैमेज टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम अपने जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं या कंट्रोल टैक्टिक्स हैं उनको कंबाइन करके एक ही प्लान में यूज़ करते हैं, मींस हम एट अ टाइम डिफरेंट अपने कंट्रोल मेजर्स यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ट्रैप्स लगा रहे हैं दूसरी तरफ हम क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ पे फेंसिंग भी कर देंगे और बेट करना है, जो भी हम अपने डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको एक ही प्लान में एट अ टाइम यूज़ करते हैं ताकि पेस्ट की जो है वो पॉपुलेशन को और हम अपने डैमेज को एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको कम कर सकें। टू solve pest problem using IPM, number one, identify the pest, is control needed, what controls are available, evaluate the risks and benefits, choose a control strategy that will be most effective and cause the least harm to the people and the environment, use each tactic in the strategy correctly, observe local, state and federal laws।
IPM में हम ये सब पॉइंट्स जो है वो सीक्वेंसली उसको फॉलो करेंगे कि हमने पेस्ट को आइडेंटिफाई करना है और कंट्रोल नीडेड है भी या नहीं. मींस वो एक थ्रेशोल्ड लेवल पर अगर पेस्ट चला गया है कि वो अब अनएक्सेप्टेबल लेवल पर हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है तो हम कंट्रोल की ज़रूरत है या नहीं, और कौन कौन से कंट्रोल्स मैयर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर, और क्या क्या उसके रिस्क और बेनिफिट्स होंगे कंट्रोल मैयर्स के, और जो भी हम कंट्रोल मैयर स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे उसका इन्वायरमेंट को नॉन टारगेट स्पीशीज़ को जो है वो कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, और हम जो भी अपना कंट्रोल मैयर्स अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेटजी में वो करेक्टली करना है, टाइमली करना है, और जो उसके तरीकाकार है टाइम और उसका क्वांटिटी ईच एंड एवरीथिंग हमने उसकी करेक्टली उसको यूज़ करना है, और हमने अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है. IPM इज़ अप्लाइड कंट्रोल्स. अब IPM में हमने क्योंकि बात की है कि हम एट अ टाइम डिफरेंट कंट्रोल मैयर्स को यूज़ करते हैं, तो कौन से कंट्रोल मैयर्स हो सकते हैं और उन्हें क्या चूज़ करना है. होस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वराइटीज़ मीन्स सबसे पहले तो जो हमारी क्रॉप्स हैं हमने उसके अंदर ही रेजिस्टेंट वराइटीज़ जो हैं वो ग्रो करनी है, हमारी क्रॉप्स के अंदर ही हमने रेजिस्टेंस डिवेलप करनी है. बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स हम नेचुरल एनिमीज भी पेस्ट के वहाँ पर यूज़ करेंगे. कल्चरल कंट्रोल, प्लॉइंग एंड क्रॉप रोटेशंस. क्रॉप रोटेशंस मीन्स के हम क्रॉप का एरिया चेंज कर देंगे और डिफरेंट सीजन्स में उसको करेंगे. जब माइग्रेटरी सीजन्स है, फॉर एग्जांपल कुछ वाटरफॉल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जब हमें उनका सीज़न पता होगा कि वो वहाँ से डैमेज कॉज करते हैं इस सीज़न में, तो हमने अपने क्रॉप का टाइम चेंज कर देना है, या हम जो उस माइग्रेटरी बर्ड्स की या जो भी क्रॉप को डैमेज करने वाला बर्ड है या रोडेंट्स हैं उनका फेवरेबल फूड जो है हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे, उसके अल्टरनेट कोई दूसरा क्रॉप लगा देंगे. प्लॉइंग करेंगे मीन्स कि वहाँ पे जितने भी ग्रास फील्ड्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा उनको भी हमने वहाँ से उसको ख़त्म कर देना है ताकि उसका कवर क्रॉप ख़त्म कर दें. मैकेनिकल कंट्रोल में हम ट्रैप, स्क्रीन्स, फेंसेस ये सब यूज़ करेंगे. सैनिटेशन, रिमूव क्रॉप रेजिड्यूज, क्लीनलीनेस, हमने अपने क्रॉप एरिया में से जो है वो वहाँ पे उसकी क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है. केमिकल कंट्रोल, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो IPM में क्या होता है, हम एट अ टाइम ये जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं उनको एक ही प्लान में हम एक साथ ही अपने क्रॉप प्लान में अप्लाई कर देते हैं. सो दीज आर ऑल recommended and suitable measures for the economic important crops against the pest. हमने अपने pest को control करने के लिए जितने भी control measures हैं उनको इस way में use करना है ताकि हमारा कम से कम उसके ऊपर expenditure आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो pest को control कर सकें.